हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। श्रीदेवी के बाद बॉलीवुड ने एक और नायाब हीरा खो दिया है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे नरेंद्र झा का आज सुबह 5 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया। 55 वर्षीय नरेंद्र अपने वाड़ा स्थित फार्म हाउस में परिवार के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे। नरेंद्र ने 1992 में अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था। अच्छी हाइट पर्सनैलिटी के चलते उन्हें बहुत से मॉडलिंग ऑफर मिले। जल्द ही नरेंद्र एड की दुनिया में जाना माना नाम बन गए। साथ ही उन्होंने 20 टीवी सीरियल में भी काम किया। नरेंद्र की पहली फिल्म 2002 में आई। इस फिल्म का नाम था फंटूश। साल 2003 में आई फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस में नरेंद्र ने हबीबुर रहमान का किरदार निभाया था। इसके अलावा नरेंद्र विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में मुंबई डॉन का किरदार निभा फेमस हुए थे। नरेंद्र ने सनी देओल की फिल्म घायल वंस अगेन में भी काम किया था। नरेंद्र के करियर में हमारी अधूरी कहानी, मोहन अजोदारो, फुस दो और काबिल जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। हालांकि नरेंद्र के नाम कुछ ही हिट फिल्में रहीं। नरेंद्र आखिरी बार साल 2017 में फिल्म रईस में दिखाई दिए थे। टीवी सीरियल की बात करें तो नरेंद्र ने एक घर बनाऊंगा क्योंकि सास भी बहू थी, बेगूसराय और आम्रपाली जैसे हिट सीरियल में काम किया। नरेंद्र ने साल 2015 में पूर्व सेंसर बोर्ड CEO पंकजा ठाकुर से शादी की थी। नरेंद्र ने पंकजा को साल 2007 में प्रपोज किया था, लेकिन पंकजा पहले से शादीशुदा थी और उनकी एक बेटी भी थी। पति से तलाक हो चुका था। पंकजा अपनी बेटी की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दोबारा शादी का फैसला लेने में इतना समय लगाया। नरेंद्र ने 52 की उम्र में पंकजा के साथ साथ फेरे लिए थे।